हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 12th वालों के लिए बायोलॉजी में बायोपायरसी के बारे में बताते हैं। क्या बताते हैं? बायोपायरसी के बारे में बताते हैं। बायोपायरसी बायोलॉजी में क्या है, इसके बारे में सबसे पहले आपको इसकी हम डेफिनेशन बताते हैं। जैसे मल्टीनेशनल व दूसरे संगठनों द्वारा किसी राष्ट्र या उससे संबंधित लोगों से बिना अनुमोदन व क्षतिपूर्ति भुगतान के जल संसाधनों का उपयोग करना बायोपायरेसी कहलाता है। जैसे कोई मल्टीनेशनल कंपनी है, ठीक है, दूसरे संगठन द्वारा उसकी कोई जानकारी हो या अपने राष्ट्र की कोई खुफिया जानकारी हो या उसकी कोई बातें हो, उससे संबंधित लोगों से बिना उसकी अनुमति के या बिना उसका भुगतान किए ही उसका उपयोग करना ही बायोपायरेसी कहलाता है। जैसे एग्जांपल हम आपको बताते हैं, जैसे किसी चुराई हुई जानकारी को, जैसे कोई भी किसी ने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, किसी ने कोई कोई मतलब पेटेंट चीज बनाई, ठीक है, किसी चुराई हुई जानकारी को पेटेंट देना नियम विरुद्ध है। यानी उस आप नियम विरुद्ध, क्योंकि यह क्या मानी जाती है, यह चोरी मानी जाती है। क्या मानी जाती है? चोरी मानी जाती है। जैसे केवल एक अमेरिका ऐसा देश है जिसके ऊपर कोई बायोपायरेसी के अंतर्गत नहीं आता। देखिए, केवल अमेरिका द्वारा दिया गया पेटेंट बायोपायरेसी के अंतर्गत, यानी अमेरिका इस बायोपायरेसी के अंतर्गत नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि अमेरिका एक शक्तिशाली देश है, वह किसी से डरता नहीं है। और दूसरे देश जो है इस बायोपायरेसी के अंतर्गत आते हैं। जैसे अपने देश की खुफिया जानकारी दूसरे देश में देना या पहुंचाना, ये भी एक चोरी कहलाता है, ये जघन्य अपराध है। अगर आप इसके विरुद्ध देंगे तो आप बायोपायरेसी के अंतर्गत आ जाएंगे। देखिए, जैसे हमारे 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 यहाँ की कुछ चीज़ें जैसे होती है, हल्दी, चंदन, सरसों, अदरक, नीम, आंवला, अमलतास आदि, ये सब जैसे अमलतास क्या होता है कि अदरक, ये सब पेटेंट, ये सब जो जितनी भी चीज़ें हैं, ये विदेशी कंपनियाँ अपना पेटेंट, ठीक है, अपना पेटेंट मोहर मार कर क्या कर रही है, पेटेंट विदेशी प्राप्त कर, मतलब पेटेंट उसको मोहर लगा कर एक नंबर का माल बताकर उसको बेच कर अधिक पैसे कमा रही हैं, ठीक है, इसी को पेटेंट बोलते हैं। कहते पेटेंट चीजें हैं भैया, एकदम पेटेंट, इसको आप खरीद लो, इसमें कोई मिलावटी नहीं है। तो ये सब कौन कर रहा है? विदेशी कंपनियां कर रही है। देखिए, भारत सरकार ने हल्दी की, जैसे हमारे यहाँ की हल्दी है, देखिए हल्दी एकदम सबसे अच्छी हल्दी अपने भारत की मानी जाती है, तो भारत सरकार ने हल्दी के विरुद्ध देखिए पेटेंट रद्द भी करवा दिया था, ठीक है, कि हल्दी में इतनी ज़्यादा मिलावटी आ रही है इसके बारे में कोई बता नहीं सकता। परंतु ये एक लंबी सूची है, देखिए परंतु के क्या एक बहुत लंबी सूची बताई गई है। तो हमारी यहाँ की जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, जो क्या करें, विदेशी कंपनियां उसको सस्ते दाम पर क्या खरीद कर अपना मोहर लगा कर उसको उसको क्या भारी मुनाफे में बेच रही है। यही तो बायोपायरेसी है, यही क्या है, बायोपायरेसी है। देखिए, भारत सरकार ने संसद में इसके विरुद्ध एक आवाज उठाई थी, ठीक है, लेकिन जो बिल प्रस्तावित किया था वो बिल अभी तक पास है नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ के देखिए जो क्या है संविधान है वो बहुत लचीला है, इसलिए जल्दी कोई काम नहीं होता है, ठीक है। देखिए, ऐसे ही हमारे यहाँ की जैसे बहुत सी चीजें हैं जो आपको क्या कर रही हैं, तो सस्ते दामों पर खरीद कर महंगे महंगे ऊंचे दामों पर बेची जा रही है। देखिए, अनुवांशिक अभियंत्रित संतुलित प्रति, जिसको हम क्या बोलते हैं, GEAC, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, एक कमेटी बनाई गई है जो इसके अंतर्गत आता है। देखिए, हम आपको कुछ लेक्चर भी दे रहे हैं, इतना हम आपको लिख कर समझा भी दे रहे हैं, ताकि बायोपायरेसी आपके बोर्ड पेपर में अगर आए तो आप लिख देखिए, ये 4 नंबर में भी आता है, ये 2 नंबर में एकदम फिक्स है। बायोपायरेसी, रेड डाटा बुक, BT बैगन, ये सब आना ही आना है, ठीक है, अगर एक नहीं आएगा तो एक जरूर आएगा, तो इसलिए हम आपको इसको इसके बारे में समझा दे रहे हैं, ठीक है, कि नहीं है। तो बायोपायरेसी तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि जो हमारे देश में हमारी जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ों को विदेशी कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां जो भी हैं, इसको सब खरीद ले रही है, एक सस्ते दामों पर खरीद कर उस पर क्या कर रही है, अपना मोहर लगा कर उसको महंगे महंगे दामों पर, जैसे हमारे यहाँ एप्पल देख लीजिए, सेब पर अच्छे अच्छे स्टीकर लगा कर लोग बेच रहे हैं, सेब है, हल्दी है, चंदन है,
हल्दी है, चंदन है, सरसों है, आंवला, जैसे बैल कोलू जो है सरसों का तेल खाते हैं ना, देखिए बैल कोलू है। अब बैल कोलू कहाँ था, अपने इंडिया में बैल कोलू चलता था, जिससे पहले तेल की पिराई होती थी उससे देखिए क्या तेल निकाला जाता था। तो बैल कोलू देखिए क्या एक कंपनी है, वो कंपनी को क्या करे, लोगों ने बैल कोलू के नाम पर देखिए सब लूट रहे हैं, अब लोग उसी उसी को खा रहे हैं, ठीक है कि नहीं है। अब तो भाई बेसिक भाई आप समझ गए होंगे, अगर ये वीडियो मेरा बहुत अच्छा लगा होगा, ये मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप जरूर मुझको लाइक एंड सब्सक्राइब कमेंट करिएगा, नहीं तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। अगर अच्छा लगे तभी सब्सक्राइब करिए, नहीं अच्छा लगे तो सब्सक्राइब मत करिए। देखिए हम आपको एक बार फिर बता दे रहे हैं, ये दो नंबर या चार नंबर में आता, अगर दो नंबर में आता है तो आप यहाँ तक लिखिएगा, देखिए यहाँ तक लिखिए, दो नंबर में से पूछेगा भाई पेल्टी क्या है, तो दो नंबर में आप यहाँ पे लिखिएगा, अगर चार नंबर में आता है तो ऐसे ही आपको बनाकर, अभी तो मैंने पांच लिखवाए हैं, कम से कम आप 10 पॉइंट 12 पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा भाई पेड़ कि संसद में इसके विरुद्ध एक आवाज उठाई गई लेकिन वो भी अभी तक प्रस्तावित नहीं हुई, सरकार ने क्या जीईसी समझ रहे हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी बनाई, फिर भी वो कमेटी में वही नहीं आ रहा है, अमेरिका जो इसके खिलाफ, तो ऐसे ही बनाकर आप और भी लाइनें लिखेंगे तो आपको आ जाएगा ये 100%, ठीक है। अगर हमारे वीडियो का आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। जय हिंद जय भारत।